देश में इस चुनावी चर्चाओं के बीच आज हम बात करेंगे पिछले दिनों हुए छात्र आंदोलन की। नमस्कार, मैं हूं रंजेश चौबे। कथित तौर पर छात्रों के डिजिटल प्रोटेस्ट के बाद 24 जनवरी को पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर एनटीपीसी एग्ज़ाम को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे थे और अचानक भीड़ बढ़ती है, हजारों की संख्या में छात्र इकट्ठा होते हैं। आंदोलन के दौरान कई झड़प, आगजनी जैसे वारदात भी सामने आई। छात्रों का आक्रोश इतना बढ़ गया कि प्रशासन द्वारा लाठी चार्ज करना पड़ा। दूसरी तरफ छात्रों ने भी पथराव करना शुरू कर दिया। आंदोलन की आग इस तरह फैली कि यूपी के प्रयागराज में भी छात्रों का आक्रोश देखने को मिला। वहीं शासन की तरफ से अलर्ट जारी कर जगह जगह फोर्स तैनात कर दी गई। एक वीडियो तो ऐसा भी सामने आया जिसमें फोर्स हॉस्टल में घुस के छात्रों को पीटती नजर आ रही है। आखिर इन सारे मामलों की शुरुआत कब हुई, इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई, आइए इस पर एक नजर डालें। दरअसल एनटीपीसी ने ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट के छात्रों को मिलाकर एक एग्जाम लिया, जिसमें रेलवे ने कहा था कि 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं ग्रेजुएशन का कट ऑफ 82 और इंटरमीडिएट का कट ऑफ 96 नंबर दिया गया और ग्रेजुएशन वाले छात्रों को प्रति छात्र 4 पोस्ट के लिए बुलाया गया। मामला यहां नहीं बिगड़ता। छात्रों का कहना था कि ग्रेजुएशन का कट ऑफ कम और इंटरमीडिएट का कट ऑफ ज़्यादा क्यों है। इन्हीं मांगों को लेकर एनटीपीसी के छात्र आंदोलन कर रहे थे और लगातार रेलवे के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे कि रेलवे कुछ रिस्पॉन्स करेगा। ऐसे में आरआरबी ने ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें अचानक नोटिफिकेशन जारी किया कि अब हम एक के बजाय 2 एग्ज़ाम लेंगे, यानी कि मेंस का भी एग्ज़ाम लिया जाएगा। जबकि 2019 में इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा जा रहा था तब ऐसा कुछ नहीं था। बस मामला यहीं बिगड़ना शुरू हो जाता है और रेलवे ग्रुप डी के करोड़ों छात्र एनटीपीसी के छात्र आंदोलन में शामिल हो गए। और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने लगे। इस बीच प्रशासन द्वारा आरोप लगाया गया कि कोचिंग सेंटर द्वारा छात्रों को भड़काया गया है, जिसमें मुख्य रूप से पटना के खान सर का भी नाम आया और उनकी एफआईआर की अटकलें भी तेज हो गईं कि उनकी गिरफ्तारी अब हो जाएगी। फिर यह एक राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत हुआ, इसकी भी अटकलें तेज हो गई। लेकिन आंदोलन जब तूल पकड़ा और पूरे देश में इसकी चर्चा शुरू हो गई, तब प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद 5 लोगों की टीम गठित की गई और आरआरबी से 4 मार्च तक रिपोर्ट देने को कहा गया। वहीं छात्रों से भी 16 फरवरी तक सुझाव मांगा गया। हालांकि मामला बढ़ता देख रेलवे ने डबल एग्जाम का अपना यह फैसला वापस ले लिया है। अब आने वाले समय में हम देखेंगे कि इस मामले में और आगे क्या कुछ होता है। देश और दुनिया के खबरों के लिए बने रहें एनी न्यूज के साथ।